देखिए, रेगुलेशन बाय एडीएच, रेगुलेशन बाय एडीएच, एडीएच के द्वारा रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। कहां से रिलीज होता है एडीएच, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस में बनेगा, याद रखिए सिंथेसिस इसकी कहां होती है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनेगा, लेकिन रिलीज कहां से होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से रिलीज होगा, पिट्यूटरी से। तो रिलीज बोलेंगे बाय पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है, समझ में आया। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज किया जाएगा, बनेगा कहां पर, ये हाइपोथैलेमस में। अब कैसे ये हार्मोन रिलीज होता है, कैसे रिलीज होगा, कब ये हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। किसी भी तरीके से अगर आपकी बॉडी में वाटर की क्या हो गई है, कमी हो गई है, ब्लड में, ब्लड में वाटर की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि वाटर क्या है, वाटर इन ब्लड, ब्लड में वाटर क्या हो गया है, घट गया है। कैसे ब्लड में वाटर घट सकता है, सोचिए, ब्लड में आपके पानी की मात्रा कम कैसे हो सकती है, कई तरीकों से। अगर वोमिटिंग हो गया है, वोमिटिंग हो रही है तो पानी की कमी शरीर में हो जाएगी, और डायरिया हो गया है, डायरिया के द्वारा क्या होगा, वाटर की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगा। और तरीके बताइए बॉडी में वाटर का अमाउंट कैसे घटेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग, बहुत पसीना हो गया है, इससे पानी की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। और बताइए, पानी कम पी रहे हैं, वाटर का इंटेक ही कम कर रहे हैं, तो जब पानी कम पिएंगे तो पानी की कमी बॉडी में रहेगा, लो वाटर इंटेक, लो वाटर इंटेक। ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आपकी बॉडी में वाटर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। वाटर के घटने से ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, नहीं ना, कम हो जाएगा ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम घट गया। ब्लड का वॉल्यूम एक तरीके से और घटता है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपकी बॉडी से ब्लड निकल गया बहुत सारा, तो ब्लड की मात्रा बॉडी में क्या हो गया, कम हो गया, खून कम हो गया, तो ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, ठीक। ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। आपके आर्टरीज में जब ब्लड पंप किया जाएगा तो जब ब्लड की मात्रा कम रहेगी तो लो प्रेशर से ब्लड जाएगा, क्योंकि ब्लड आपकी बॉडी में क्या है, कम है। वाटर ही, वाटर ज्यादा तो ब्लड ज्यादा, वाटर कम तो ब्लड की मात्रा कम। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम जब घटेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बीपी क्या हो जाएगा, कम। और जब ब्लड का वॉल्यूम घटता है या ब्लड में पानी की मात्रा घटती है तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है कि घटता है, बताइए। अगर ब्लड में वाटर की मात्रा घट रही है तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे लास्ट टाइम बताया तो था मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पानी की मात्रा घट रही है तो इसका मतलब सॉल्यूट बढ़े हुए हैं, सॉल्यूट बढ़े हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, सॉल्यूट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ब्लड में पानी की मात्रा जब घटेगी इसका मतलब वाटर घट रहा है, घट रहा है तो एक चीज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सॉल्यूट बढ़ेंगे, और सॉल्यूट से ही ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइड होता है, ठीक। आप बोलेंगे यहां पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और करके लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इतनी चीजें मैंने लिख दिया है ना, सबका मतलब एक। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कहा जाए कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे, मैंने घटा लिख दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ेगा, तो बताइए कैसे बढ़ेगा। ब्लड में पानी की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, या फिर क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ही घट जाए किसी तरीके से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड का बढ़ जाएगा। अब ब्लड का जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो यही ब्लड तो आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा ना, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है यही ब्लड क्या है, हाइपोथैलेमस में जाएगा। कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा तुरंत क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत सक्रिय हो जाएगा। और क्या करेगा, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाएगा, वो वैसोप्रेसिन बनाएगा। इससे क्या बनेगा, वैसोप्रेसिन। रिलीज तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, ठीक है, वैसोप्रेसिन बनेगा। वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, ADH। और ये हार्मोन कहां जाएगा, ये नेफ्रॉन में जाएगा। कहां जाएगा ये, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस हिस्से में पहुंचेगा, ये DCT में। एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन कहां काम करते हैं, DCT में जाएगा। देखिए ये इस तरीके से डायग्राम था, ये वाला हिस्सा DCT है, यहां पहुंचेगा तुरंत, और यहां जाकर के वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब वाटर को बॉडी में रिटर्न करा देगा ज्यादा अमाउंट में। तो ज्यादा अमाउंट में वाटर बॉडी में क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट। यूरिन में वाटर की मात्रा घटा देगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी वाटर कम है, किसी तरीके से बॉडी में वाटर को रिटेन कराना है, तो ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन किसका, ऑफ वाटर, कहां से, फ्रॉम DCT। DCT से क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर बॉडी में वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जो पानी की मात्रा घटी हुई थी वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। जो बढ़ा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर था, बॉडी में वाटर वापस होने से ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। पहले बढ़ेगा, जो घटा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जो बढ़ा हुआ था वो पहले घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था वो क्या हो जाएगा, घटेगा, घट करके नॉर्मल आएगा, घटेगा, घटने पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मल हो जाएगा, और BP क्या हो जाएगा, नॉर्मल, मतलब BP पहले क्या था, यहां पर ब्लड प्रेशर घटा हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ करके वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ADH हार्मोन किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, समझ में आया, एक तरीका ही हो गया। आगे दूसरा कौन सा है, दूसरा सिस्टम है, देखिए सेकंड जो है आपका वो क्या चीज है, जक्स्ट्रा। किडनी का फंक्शन एक तरीके से और रेगुलेट होता है, किससे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए होता क्या, ये वो नेफ्रॉन नहीं है, जेजी नेफ्रॉन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए हमने आपको बताया था ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में इधर से जो आर्ट्रियोल एंटर करता है उसको क्या बोलते हैं, अपरेंट, क्या बोलते हैं इसको, अपरेंट बोलते हैं, ठीक है। ये यहां से अपरेंट आया, इसके बाद यहां से जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट बोलते हैं। ये बोमेन कैप्सूल के नीचे के हिस्से PCT है, क्या है ये, PCT। उसके बाद लूप ऑफ फेनले, और लूप ऑफ फेनले के बाद अगला हिस्सा जो बनाते हैं वो DCT बनाते हैं ना। एक्चुअली DCT यहां नहीं होता है, DCT यहां होता जाकर के,
उसको घुमा करके ऐसे लाएंगे, यहां बनाएंगे। ये देखिए यहां बनाया मैंने डीसीटी को, बना दिया ना। जहां अपरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल आपस में, इधर से आ रही है फ्रंट, इधर से निकल रहा है फ्रंट, इसी के पास क्या है, ये डीसीटी है। तो डीसीटी वहां होता है वास्तविक रूप से, समझ में आ रहा है। तो ये और इसको नजदीक थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए ये मैंने बना दिया डीसीटी। अब यहीं पर, अब बताइए एक चीज हमको यहां पर, आप इसमें कितना लेयर है, ये आर्ट्रियोल है, आर्ट्रियोल की वॉल में कितना लेयर होता है, इसकी वॉल में कितनी लेयर है, अगली बार लंच करके या तो बाहर कर लीजिएगा तो यहां नहीं, यहां मत करिएगा, ठीक है। कितनी लेयर है इसमें, आर्टरी की वॉल में कितनी लेयर, तीन होती हैं। तो आर्टरी का ही हिस्सा तो आर्ट्रियोल है, मैं कैपिलरी नहीं कह रहा हूं, कैपिलरी में तो एक लेयर होती है, सिंगल लेयर। कैपिलरी में कितनी लेयर होती है, सिंगल। आर्टरी है, आर्ट्रियोल है, ये आर्ट्रियोल, इसमें भी तीन लेयर होगा, बाहर की लेयर ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा होता है ना, तीन लेयर। तो इसमें जो बीच वाली लेयर होगी, कौन सी वाली, बीच वाली जो मस्कुलर लेयर होती है, उसमें कुछ सेल क्या हो जाती है, स्पेशलाइज, मतलब कह सकते हैं आप कि आर्ट्रियोल की जो दीवार है, इसकी जो बीच वाली लेयर है, जो मस्कुलर लेयर जिसको हम कहते हैं, उसकी कुछ सेल क्या हो जाती है, स्पेशल, अलग रूप धारण कर लेती है, ठीक है, हाँ अलग तरीके से हो जाती है, ठीक, मॉडिफाइड हो जाती है, आप कह सकते हैं क्या हो जाती है, मॉडिफाइड। इसी तरीके से ये जो डीसीटी है, डीसीटी की कुछ सेल क्या हो जाती है, मॉडिफाइड। डीसीटी की जो सेल मॉडिफाई होती है उनको बोलते हैं मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, ठीक है, मैकुला डेंसा बोलते हैं। मैकुला डेंसा क्या है, डीसीटी की मॉडिफाइड सेल का नाम है। और ये अपरेंट आर्ट्रियोल, इसकी कुछ सेल मॉडिफाइड, दोनों मिल करके एक अपरेटस बनाती है, उसी अपरेटस को क्या बोलते हैं, जेजी अपरेटस लिखा हुआ है ना ये, तो जेजी अपरेटस क्या है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ये होता क्या है कि जहां पर अपरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी आपस में जहां रहते हैं, यहीं पर तो तीनों है ना, तो इसकी कुछ सेल और इसकी कुछ सेल क्या है, मॉडिफाइड हो गई और एक अपरेटस बना दी है, उसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। भी बनता कैसे है, तो लिखिएगा, ये बनेगा फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सम सेल, सारा मॉडिफाई नहीं होगा, सम सेल्स ऑफ किस किस का, कौन कौन सी सेल मॉडिफाइड हुई यहां पर, अफरेंट आर्ट्रियोल की कुछ सेल, अफरेंट आर्ट्रियोल और किसकी सेल मॉडिफाई हुए, डीसीटी की, एंड डीसीटी, इससे बन जाता है जेजी अपरेटस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, जेजी अपरेटस बोलते हैं। और इन सेल को क्या बोलेंगे, जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, सेल्स कॉल्ड, सेल को हम बोलेंगे जेजी सेल्स, ठीक है, और पूरे पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, जक्स्ट्रा जेजी अपरेटस, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया यहां पर, अब इसके बाद इसका काम देख लीजिए क्या करता है, ये जेजी अपरेटस या जेजी सेल आप कह सकते हैं, ये सेल क्या बनाती है, रेनिन, ये रेनिन सीक्रेट करती है, ये क्या रिलीज करेंगी, रेनिन। रेनिन क्या होता है, हार्मोन है, एक रेनिन एंजाइम भी होता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, आर ई डबल एन आई एन, वो बच्चों में बनता है स्टमक में, ठीक है, मिल्क को डाइजेस्ट कराने वाला वो एंजाइम है, और यहाँ सिंगल एन है, ये हार्मोन है, लिख लीजिएगा ये क्या है, ये हार्मोन है। तो रेनिन हार्मोन कहां से बनता है, तो बताएंगे जेजी ऑपरेटर से, जेजी सेल के द्वारा, और जेजी सेल किसकी सेल है, तो बोलेंगे वो अपरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी की कुछ सेल मॉडिफाइड होकर के बनाती है, ये समझ में आ रहा है। अब ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन क्या करेगा उसको देख लीजिए, ये हार्मोन आपका जो लिवर है, जो आपका लिवर है, लिवर एक
केमिकल प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन मतलब हमारा लेवर एक प्रोटीन बना करके ब्लड में भेजता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, ये ब्लड में लिवर बनाता है, ठीक है। ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसको कन्वर्ट कौन कराएगा, रेनिन। अब रेनिन का रोल समझ रहे हैं कि कैसे आपकी किडनी, आखिर किडनी के द्वारा तो बन रहा है रेनिन, रेनिन कहां से बन रहा है, किडनी के द्वारा। तो रेनिन जब बनेगा तभी तो ये प्रोटीन इसमें कन्वर्ट होगी, अदरवाइज ये प्रोटीन कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, ये रेनिन इस प्रोटीन को कन्वर्ट करा देता है इसमें। समझ में आया। अच्छा एक चीज और, ये सारा सिस्टम कब हो रहा है, कब रेनिन बनेगा, रेनिन कहां से बनेगा ये बता दिया मैंने, बनेगा कब, जब आपकी बॉडी में ब्लड कम होगा, सॉरी ब्लड में वाटर कम रहेगा या आपकी बॉडी में पानी की कमी रहेगी उस समय रेनिन बनेगा, या पानी ज्यादा रहेगा तो बनेगा। तो पानी की जब कमी रहेगी, पिछला वाला सिस्टम पूरा वही फॉलो होता है, जब पानी की कमी रहती है तो ADH भी बनता है, और जब पानी की कमी रहती है तो रेनिन भी बनता है। समझ में आया। तो आप यहां लिख लीजिएगा कब बनेगा, व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जब बढ़ा रहेगा, या वाटर जो है, वाटर इन ब्लड, ब्लड में आपके पानी की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। ऐसे भी कह सकते हैं जब ब्लड प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि अगर ब्लड कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एक साथ मैंने कई चीजें इसलिए लिखा दिया था आपको, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम घटा रहेगा, बीपी घटा रहेगा, सब बात एक ही है। समझ में आ रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई है तो दो सिस्टम काम करते हैं, एक तो ADH हार्मोन सिक्रेट होने लग जाता है, और ये हमारा JG ऑपरेटर से रेनिन बनने लग जाता है तुरंत, ठीक है। अब रेनिन क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट करा दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाएगा इसको, ये कौन कन्वर्ट कराएगा, ये कन्वर्जन किसकी वजह से हो रहा है, कोई बताएंगे, ये कन्वर्जन एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट, जैसे आपको पता है पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है ना स्टमक में, किसकी मदद से होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। ऐसे यहां पर है एंजियोटेंसिनोजन क्या इनएक्टिव प्रोटीन है, ये कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन में लास्ट में जाकर के, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। लिवर बनाएगा, लिवर की मदद से क्या, लिवर क्या बनाया, लिवर बनाया एंजियोटेंसिन, रेनिन की मदद से इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये इसमें कब कैसे कन्वर्ट होगा, तो हमारी जो लंग्स होती हैं वहां से एक केमिकल बन के आता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन, उसको कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहां से एक प्रोटीन या एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम कहां से बनेगा, फ्रॉम लंग से बनेगा। वो एंजाइम जब यहां, उसका नाम रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट। अब आप सोचिए आपकी किडनी, जब आपकी किडनी बॉडी में कंट्रोलिंग कर रही होती है तो लंग्स का भी रोल होता है, लिवर का भी रोल आया। देखिए कितने ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लंग्स भी काम कर रही है, लंग्स की मदद से हो रहा है, और लिवर। अब ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा, सारा काम यही करेगा। आपकी बॉडी में पानी की कमी हुई है तो पानी की मात्रा को बढ़ाएगा। देखिए अभी ब्लड प्रेशर घटा हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा अभी ये, ब्लड का वॉल्यूम घटा था, ब्लड का वॉल्यूम ये बढ़ाएगा, बढ़ा के नॉर्मल करेगा। कैसे, देखिए यहां पर लिखा है एनजीओ, एंजियोटेंसिन, इसके तीन काम होते हैं। पहले ये हाइपोथैलेमस पर जाएगा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये कहां बन रहा है, ये बना कहां है, ब्लड में है, ये कहां है, ब्लड में। तो ब्लड, यही ब्लड जब हाइपोथैलेमस पर जाएगा, ब्लड के रास्ते ये कहां पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमस पर जाकर के जो थर्स्ट सेंटर है, क्या चीज, थर्स्ट
सेंटर, प्यास जहां से लगती है। आपको भूख और प्यास का एहसास कहां से होता है? हमारे हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस से हंगर और थर्स्ट क्या है वो उसको एक्टिवेट कराती है। तो थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस में है। ये वाला सेंटर मतलब हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक्टिवेट हो जाएगी। कब? जब ये हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा तो इससे हमको क्या होगा? प्यास का अनुभव होगा। ठीक है, थर्स्ट को प्रमोट कराएगा। और जब प्यास का अनुभव होगा तो आप पानी पी लेंगे और वाटर की कमी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो एक तरीके से वाटर की कमी कैसे पूरी हो रही है समझ में आ रहा है? आया, हाइपोथैलेमस को इसने एक्टिवेट कराया, उसने क्या किया? तुरंत जो है आपकी प्यास को स्टिमुलेट करा दिया, आपने पानी पी लिया। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर घटा हुआ था। जब पानी की मात्रा बॉडी में कम रहती है तो ब्लड प्रेशर क्या रहता है? कम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम रहता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अब ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? देखिए, ये हार्ट पर जाएगा। कहां जाएगा? हार्ट पर। और हार्ट पर जाकर के वहां जो हार्ट पर ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल्स जो आपकी खून की नलिकाएं, उनको क्या कर देगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब समझ रहे हैं? सिकोड़ देगा। तो हार्ट में जो ब्लड वेसल है उनको नैरो करा दिया। अब जब ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो डायमीटर घट जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जाकर के दूसरा टारगेट कहाँ है इसका? हार्ट। पहला टारगेट हाइपोथैलेमस। तो ये ब्लड प्रेशर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बढ़ा हुआ रहेगा, पहले घटा हुआ था, बढ़ा देगा तो फिर वो नॉर्मल आ जाएगा। जितना घटा था उतना ही बढ़ाएगा और नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ये कहां पहुंचता है? ये चीज और, एक चीज और है इसमें, ये सीधे जाएगा एड्रेनल ग्लैंड पर। एड्रेनल ग्लैंड जो अधिव्रक ग्रंथि होती है, एड्रेनल ग्लैंड पर जाएगा ये एंजियोटेंसिन। वहां पर इसका टारगेट है तीसरा। एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोलेगा? तुम क्या करो, क्या रिलीज कराओ? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराने के लिए बोलेगा। यहां से रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन किस पर टारगेट करता है? डीसीटी पर। ये तुरंत डीसीटी पर जाएगा और डीसीटी पर जाएगा, वहां क्या करेगा? सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और जब सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होगा तो पानी पीछे पीछे खिंचा चला आएगा। बताया था लास्ट टाइम, NaCl जब एब्जॉर्ब होगा तो वाटर अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वैसोप्रेसिन केवल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, ध्यान सुनिएगा, वो किसी पर टारगेट नहीं कर रहा था, वो केवल वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। लेकिन एल्डोस्टेरोन दोनों काम करता है, पहले सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करा देगा और सोडियम क्लोराइड जब रीअब्जॉर्ब ब्लड में हो जाएगा तो वाटर ऑटोमेटिक चला जाएगा। वाटर ऑटोमेटिक, इधर ध्यान दे दो जी, इधर तुमसे कह रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। वाटर ऑटोमेटिक क्या होगा? सोडियम क्लोराइड के पीछे पीछे भाग जाएगा। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम समझ में आया। अब इसको रास सिस्टम क्यों बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रास। इस पूरी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रास। रास क्यों बोलते हैं? रास का फुल फॉर्म क्या? रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन। और ऐसे क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एस का मतलब सिस्टम। तीन जगह टारगेट कर रहा था ना, पहले क्या बनाया था इसने? रेनिन बनाया था ना। रेनिन कहां से बनाता? जेजी सेल से। और रेनिन जब बना तो रेनिन की वजह से क्या हुआ? एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये बनेगा तब जब रेनिन बनेगा। रेनिन ही क्या करेगा? इसको बनाने में मदद किया। और जब ये बनेगा तो एल्डोस्टेरोन तभी तो रिलीज होगा। एंजियोटेंसिन जब तक नहीं बनेगा तब तक एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा।
तो तीनों एक के बाद एक हैं, तीनों स्टेप सीरीज में हैं। पहले रेनिन रिलीज होगा, वो एंजियोटेंसिन को बनवाएगा और उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, इसलिए रास सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है, अब दो ये दो मैकेनिज्म जो अब तक मैंने बताया, ये काम कब करती हैं? जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, या ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, या ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, कैसे भी समझ लीजिए उसको। अगला क्या है, जब बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है तब, तो यहां लिखेंगे वाटर कंटेंट। अगर आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ब्लड वॉल्यूम क्या है, हाई है। बात एक ही है ना, पानी की मात्रा ज्यादा है या फिर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि पानी जो पीते हैं ब्लड में ही जाता है। ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा वाटर होगा ब्लड में और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ये वाला सिस्टम बताने जा रहे हैं ये काम करेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का ज्यादा या कम, अब कम होगा, पानी ज्यादा है तो इसको और करके लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड या ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या हो जाएगी, यहां कम रहेगी। ठीक है, इतनी चीजें हैं। ये सब कैसे होगा, पानी की मात्रा बॉडी में कैसे बढ़ती है, ज्यादा पानी पीने से, ज्यादा वाटर इनटेक हो रहा। देखिए पिछला वाला जो मैंने बताया उसमें कई चीजें बताया, आपको वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, टॉयलेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो पानी की मात्रा घटेगी, घटेगी नहीं, एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम लॉस हो गया है, ब्लड कम पड़ गया बॉडी में। लेकिन ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ती कैसे है, तो बढ़ेंगे कैसे बढ़ती है, ज्यादा पानी पीने से। और कोई तरीका बताइए, पानी की मात्रा बॉडी में हमारे एक ही आप लोग जान रहे हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका कौन सा है, और कैसे पानी की मात्रा बढ़ सकती है, पसीना कम हो जाए वो तो नॉर्मल रहेगा, पानी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, मैं नॉर्मल से ज्यादा कह रहा हूं, बताइए। यूरिनेशन, यूरिन कम बन रहा है, टॉयलेट कम हो रहा है, कुछ लोगों को मान लीजिए कभी कभी कंडीशन हो जाती है यूरिन यूरिन पास आउट ही नहीं होता, यूरिन बन ही नहीं रहा है, बहुत कम यूरिन बन रहा है, लो यूरिनेशन, लो यूरिन प्रोडक्शन। तो अगर यूरिन कम बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी का लॉस आपकी बॉडी से कम होगा, तो आपकी बॉडी में वाटर का अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और होता है लो यूरिन प्रोडक्शन। अगर यूरिन प्रोडक्शन क्या है, कम हो रहा है, कम बन रहा है यूरिन। समझ में आया? ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो क्या होगा, तो यही ब्लड कहां जाता है, जब हमारा ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, जब ये ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा, क्योंकि जो तीसरी मैकेनिज्म है उसमें वो किसकी मदद से होती है, हार्ट की मदद से। ठीक है, तो तीसरा जो मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं वो क्या है, BAFF। ANF का पूरा नाम क्या है, एट्रियल नेटरेटिक फैक्टर, ये है एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर। कोई बताएंगे ये है क्या चीज, ये है क्या, एट्रिया से बनने वाला एक प्रोटीन, फैक्टर का मतलब है प्रोटीन। जब आपको ब्लड क्लॉटिंग बता रहे थे तो उसमें बताया था ब्लड को जमाने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर क्या थे, प्रोटीन थे। यहां पर भी ये फैक्टर क्या है, प्रोटीन है। तो हमारा जो एट्रिया है, हमारा जो एट्रिया है, एट्रिया मतलब हार्ट में ऊपर वाला चैम्बर, उसमें भी कौन सा एट्रिया, राइट एट्रिया की बात हो रही है।
तो जब आपका ब्लड कहां पहुंचता है, राइट एट्रियम में जब जाएगा, और अगर पानी की मात्रा ब्लड में ज्यादा है तो आपका हार्ट पता लगा लेता है कि आपके ब्लड में पानी ज्यादा हो गया है। मतलब आपका हार्ट ये पता लगा लेगा कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। कैसे पता लगाएगा हार्ट? हार्ट कैसे पता लगाएगा? पढ़ के नहीं आते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा पढ़ के आया करिए। हार्ट कैसे पता लगाएगा हमारी बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ गई है? आपका जो एट्रिया है, ऊपर वाला चैम्बर कौन सा? एट्रिया। जब इसमें ब्लड पहुंचेगा तो एक चीज बताइए, पानी की मात्रा जब ज्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा ना, हाई रहेगा। तो एट्रिया में ब्लड एक तेज प्रेशर के साथ जाएगा। एट्रिया में जो ब्लड पहुंचेगा वो क्या है, बहुत तेजी से जाएगा, एक हाई प्रेशर के साथ। तो एट्रिया में जब ब्लड पहुंचेगा तो एट्रिया की जो वॉल है उसमें खिंचाव ज्यादा होगा, उसमें खिंचाव ज्यादा होगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो उसमें खिंचाव होने लगता है और यूरिनेशन होता है, ऐसे ही एट्रिया में जब ब्लड आएगा, कौन सा एट्रिया? राइट एट्रिया। आपकी बॉडी से रिटर्न कहां होता है? राइट एट्रिया में। तो इसकी एट्रिया की बॉडी में जब ब्लड इंटर करेगा तो कुछ ब्लड कुछ ज्यादा ही इंटर करेगा, जिसकी वजह से इसके वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और पता लगा लेंगे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है। यहां मैं लिख रहा हूं, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहेगा, ब्लड वॉल्यूम क्या रहेगा? हाई रहेगा, ठीक है। तो आपका जो एट्रिया है, स्ट्रेच रिसेप्टर इन एट्रिया, एट्रिया के अंदर जो क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है, वो क्या हो जाएंगे? तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। और एट्रिया एक प्रोटीन को रिलीज करेगा, एट्रिया आपका हार्ट ही रिलीज करेगा एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? यही प्रोटीन का नाम भी है, ठीक है। तो बोलेंगे एट्रिया रिलीज करेगा, रिलीज ANF, मतलब हार्ट से ही बनती है। हार्ट में जब ब्लड जाता है और हार्ट को लगता है कि हमारे अंदर जो ब्लड आ रहा है वो एक हाई प्रेशर से आ रहा है, तो हार्ट क्या करता है, एक प्रोटीन को बना देता है तुरंत, ANF, एट्रिया की वॉल से बनती है, ठीक है। कौन सा एट्रिया? राइट एट्रिया, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ये राइट वाला है। इस प्रोटीन से क्या होगा, ये प्रोटीन जब बनेगी तो आपकी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलिकाएं हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? ब्रॉड, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर को क्या करना है, घटाना है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे? जब खून की नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर घटाना है तो खून की नलिकाओं को क्या कर देना, ब्रॉड एक्सपेंड हो जाएंगी, ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। और रिलैक्स होने से क्या होगा, बीपी जो बढ़ा हुआ था वो घट करके नॉर्मल आ जाएगा, समझ में आया। तो यहां लिखेंगे डायलेट, क्या कर देगा ये, डायलेट ब्लड वेसल, या ऐसे भी ले सकते हैं वैसो डायलेशन। एक होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसो डायलेशन का मतलब वेसल्स को डायलेट कराना, तो ये वैसो डायलेशन होगा। तो पूछा जाता है बार बार कि ANF करता क्या है, तो ANF वैसो डायलेटर है, ये ब्लड वेसल को डायलेट कराते बीपी को घटाता है और घटा करके वो नॉर्मल लेके आता है, ठीक है। तो ये दो, आपको दो रेगुलेशन मैंने बढ़ाया कि कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और एक रेगुलेशन बताया कि बीपी घटेगा कैसे, ठीक है। यहां ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रेगुलेशन कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया सबने। अगला जो है वो है, लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स, क्या पढ़ना है, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। हाँ, डायूरेसिस इसी में समझ लीजिएगा, इसी में आप उस वर्ड को मैं समझा दूंगा, ठीक है।
डिसऑर्डर का मतलब कमियां, एक्सक्रिटिव सिस्टम से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो बहुत सारा, लेकिन बुक ने बहुत थोड़ा सा लिखा है, एक एक करके देखते रहिए। पहले आप ही वाला बता रहे हैं हम, पहले जो कहा वही बता रहा हूं। डायूरेसिस क्या होती है? डायूरेसिस का मतलब बहुत ज्यादा यूरिन बनना। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार टॉयलेट जाते हैं, वो एक किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब बार बार यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं डायूरेसिस। मतलब आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में जो यूरिन बन रहा है, बताइए वो डाइल्यूट बन रहा है कि कंसंट्रेटेड बन रहा है। अगर बार बार टॉयलेट जा रहा पर्सन, तो यूरिन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है? सब डाइल्यूट है यूरिन, पानी की मात्रा ज्यादा पास आउट हो रही है। ठीक है, बॉडी में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। तो डायूरेसिस का दूसरा नाम होता है, लिखिएगा, पॉलीयूरिया। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। यहां कंफ्यूज मत करिएगा कि यूरिया का मतलब, पॉलीयूरिया का मतलब यूरिया बढ़ना। पॉलीयूरिया का मतलब ये नहीं कि यूरिया का बढ़ना, नहीं, पॉलीयूरिया का मतलब बार बार यूरिनेशन होना। ठीक है, इसको लिखिएगा, ये क्या है? फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होना। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। यूरिन रहेगा डाइल्यूट, मतलब वाटर की मात्रा क्या रहेगी? वाटर इन यूरिन हाई रहेगा, यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बीमारी खत्म हो गया। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये समस्या क्यों आ सकती है कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है? इसके कारण दो कारण इसके हैं, एक तो शुगर, पहला रीजन यहां लिख रहा हूं। रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका हाई ब्लड शुगर। अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है, किसी पर्सन को डायबिटीज है, डायबिटीज है, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं डायबिटीज के। शरीर कमजोर होने लगता है, वजन घटता है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास भी लगती है, क्योंकि जब टॉयलेट बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्यास ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है। ठीक है, एक रीजन समझ में है। दूसरा रीजन, एक कोई सोच के बताइए, एक रीजन और है। अगर एल्डोस्टेरोन या वैसोप्रेसिन कम बन रहा है, तो कम बन रहा है क्योंकि वैसोप्रेसिन आपकी बॉडी में पानी को खींच करके वापस करता है, एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी में नमक को खींचता है और पानी पीछे पीछे खींचा चला आता है। मतलब दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं? आपकी बॉडी में पानी को बढ़ा के रखते हैं। तो अगर मान लीजिए एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है या वैसोप्रेसिन कम पड़ रहा है, तो क्या होगा? यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। जो पानी आपकी बॉडी में रिटर्न होना चाहिए था, वो रिटर्न कम होगा। तो पानी जब रिटर्न कम होगा बॉडी में, तो कहां जाएगा? यूरिन में जाएगा अल्टीमेटली। तो दूसरा रीजन है लो वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं? एडीएच। और या फिर बोल सकते हैं दूसरा कारण है लो एल्डोस्टेरोन। समझ रहे हैं ना सभी जो मैं बताना चाह रहा हूं? क्यों? वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन पानी को रिटर्न करा देते हैं बॉडी में, आपके यूरिन में पानी को कम भेजते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देते हैं किडनी में। समझ में आया? ये कम पड़ेंगे, वाटर पास आउट होने लग जाएगा, डीसीटी से वाटर रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। दूसरा समस्या यूरेमिया। पॉली यूरिया के साथ मैं बता रहा हूं, देखिए यूरेमिया क्या है? ब्लड में यूरिया बढ़ जाना, किसी पेशेंट में ब्लड में क्या हो जाना? यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। हमारे ब्लड में यूरिया कितनी होती है? तो अगर लिखेंगे यूरिया 25 से 30 ग्राम हमारी बॉडी में नॉर्मल है, इतना हम लोग यूरिया एक दिन में रिलीज कराते हैं। हालांकि इसको हटाइए, ब्लड में नहीं है। अगर ब्लड, इसका मतलब है हाई ब्लड यूरिया। ब्लड में अगर यूरिया की मात्रा क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। कैसे ज्यादा होगा?
यूरिया कैसे ज्यादा होगा? किडनी काम नहीं कर रही, किडनी फेल हो गई है, किडनी यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही प्रॉपरली, तो यूरिया कहाँ रहेगा? ब्लड में तो रहेगा, किडनी फेलियर वाला सिस्टम है तो यूरेमिया हो जाएगा, ठीक। और एक चीज नोट कर लीजिए, हमारी बॉडी 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज करती है, रिलीज पर डे। हम लोग 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में यूरिन के रास्ते रिलीज करते हैं, ठीक। यूरेमिया हो गया। तीसरा कंडीशन है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया क्या है? ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज होता है। अगर ब्लड में यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, यूरिन में क्या आ रहा है? ग्लूकोज। और किसके पेस कब यूरिन में ग्लूकोज आता है? जब ब्लड शुगर हाई होता है तो यूरिन स्वीट कलर स्वीट हो जाता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। हाँ, चींटियां लग जाती हैं, उसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है, चीनी की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट में। तो ग्लाइकोसूरिया क्या है? ग्लूकोज इन यूरिन। हालांकि यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है, लेकिन अगर ग्लूकोज आ जाए थोड़ा बहुत भी तो क्या हो जाता है? डायबिटीज का सिम्टम है। समझ में आया? ये है ग्लाइकोसूरिया। अगली चीज रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली ये है किडनी स्टोन। आपकी बॉडी में किडनी के किसी भी हिस्से में स्टोन बनना क्या है? रीनल कैलकुली है, इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, सर भी कह रहे थे तुम बहुत इधर टाक झाक करते, सीधे रहा करिए, तुमसे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कुछ कहें, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ शांति पूर्वक इधर उधर मत झांका करो, पढ़ाई करिए, तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। किडनी स्टोन को क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुली। किडनी स्टोन बनता कैसे है? हमारी बॉडी में जब किडनी स्टोन बनते हैं, स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट का क्रिस्टल होता है। किसका क्रिस्टल है? जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं ना, वो क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट है। अक्सर स्टोन अचार खाने, पिकल्स खाने से भी स्टोन बनता है, क्योंकि अचार में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आपकी बॉडी से कैल्शियम आएगा, ऑक्जेलिक एसिड दोनों मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट बनेगा और किडनी का स्टोन बना देगा, ठीक है। कई रीजन है इसमें। और बताइए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगला समस्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जहां पर ITS वर्ड लग जाए, क्या लग जाए? ITS। बताइए उसका मतलब क्या? अगर कहीं सफिक्स ITS लगा है, उसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, इंफ्लामेशन, स्वेलिंग। कहां स्वेलिंग हो रही है? ग्लोमेरुलस में। कहां हो रही है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये यही तो है ग्लोमेरुलस। तो ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने का मतलब है कि इसमें जो आपको बताया था फेंस्ट्री, जब ब्लड फिल्टर होता है तो ये वोमेन कैप्सूल जो है, देख रहे हैं ना वोमेन कैप्सूल, इसकी वॉल में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल बने होते हैं, पोडोसाइट सेल की वजह से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फेंस्ट्री। उनका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब कह सकते हैं कि छननी के पोर का साइज बढ़ गया है। किडनी हमारी क्या करती है? खून को छानती है। कैसे छानेगी? छोटे छोटे होल होते हैं, कहाँ? इसकी लेयर में होता है ना, तो इनमें जो है जो होल है उनका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। अब सोचिए जब साइज बढ़ जाएगा, छननी का छेद का साइज बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? चाय छानेंगे तो चाय पत्ती भी नीचे निकल के चली जाएगी, होगा ना? तो ये हाँ यही सिस्टम होता है किडनी में। जब जो छन्नी है उसके पोर साइज बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड छन्ने आता है तो उसमें से ग्लूकोज है, प्रोटीन है, सब निकलने लग जाता है। बड़ी वाली प्रोटीन नहीं निकलनी चाहिए ना। इस कप में मैंने बोला था कि ग्लूकोज तो आता है, लेकिन लार्ज प्रोटीन RBC कभी नहीं आती है, क्योंकि प्रोटीन का साइज क्या है? बड़ा है, वो छन्नी से नहीं छन सकता। लेकिन जब छन्नी का ही साइज बढ़ जाएगा
तो प्रोटीन यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगी और फिर ये प्रोटीन रीअब्सॉर्ब तो होती नहीं है। कहीं मैंने प्रोटीन का रीअब्सॉर्प्शन बताया आपको, नहीं होता प्रोटीन रीअब्सॉर्ब। तो ये प्रोटीन जो कप में आ जाएगी या एंजाइम आ जाएंगे या हार्मोन, ये सब यूरिन में चले जाएंगे और आपकी बॉडी के प्रोटीन कहाँ चले जाएंगे, यूरिन में, और बॉडी में फिर कुछ नहीं रह जाएगा, बचेगा क्या? वो अलग चीज है, यूरिन से जो ब्लड आता है वो अलग चीज है, ठीक है। हाँ, यूरिन से ब्लड भी आता है। तो इसमें क्या है, यहां लिख लीजिएगा, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज है उनका पोर साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन पास आउट कर जाएंगी, कहां पर, इन यूरिन में प्रोटीन आने लग जाएगा। तो जब यूरिन का टेस्ट होता है, जैसे यूरिन का टेस्ट अगर मान लीजिए कोई पर्सन है बहुत कमजोर होता चला जा रहा है, ठीक है, कुछ खाया पिया नहीं लग रहा है, तो यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए, उससे पता लगता है कि यूरिन में हमारे बॉडी की यूजफुल चीजें तो बाहर तो नहीं चली जा रही हैं, प्रोटीन तो नहीं निकल रही कहीं यूरिन में, तो यूरिन का टेस्ट से पता लग जाता है, ठीक है, कि प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसमें कोई बताइए और क्या बचा हुआ है? हाँ, और भी है, एक वर्ड होता है ऑली यूरिया, बता दिया, एक वर्ड है ऑलिगो यूरिया। ऑलिगो यूरिया का मतलब समझते हैं, ऑलिगो यूरिया क्या है? ऑलिगो यूरिया है लो यूरिन प्रोडक्शन। अगर यूरिन क्या बन रहा है, कम बन रहा है, यूरिन ज्यादा बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉली यूरिया या डायूरेसिस, और यूरिन कम बन रहा है तो इसको ऑलिगो यूरिया, यूरिन नहीं बन रहा है इसको बोलते हैं एन यूरिया। क्या बोलते हैं? एन यूरिया, यूरिन बन ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा यूरिन। और बताइए कौन सा वर्ड छूट रहा है? हाँ, कीटोनूरिया। हाँ, कीटोनूरिया, कोई बताएंगे क्या है ये? जो लोग फास्टिंग करते हैं या जो आमरण अनशन करते हैं, अन्ना हजारे मॉडल, ठीक है, हाँ, जो लोग कई दिन तक अनशन करते हैं या खाते पीते नहीं हैं या फास्टिंग को ज्यादा ही कर देते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म कहानी, कई दिन तक फास्टिंग चलेगा, तो फिर किसकी बारी आती है, प्रोटीन टूटता, फैट टूटने लगता है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी बनाना है किसी तरीके से, तो प्रोटीन से और फैट से एनर्जी बनती है। तो कीटोनूरिया में क्या होता है, यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लग जाती हैं। क्या आने लग जाती है? कीटोन बॉडीज। तो यहां लिख रहा हूं, यूरिन में क्या आएगा, यूरिन, इन यूरिन कीटोन बॉडीज पास आउट, यूरिन के रास्ते क्या है, कीटोन बॉडीज पास आउट होने लग जाएंगी। तो कैसे कीटोन बॉडी बना, फैट जब टूटता है तो बनता है कीटोन बॉडीज। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट में कीटोनूरिया प्रॉब्लम है तो उसकी बॉडी में क्या समस्या आ रही है, उसकी बॉडी में फैट टूट रहा है कुछ ज्यादा मात्रा में, या तो फास्टिंग कर रहा है, ठीक है, और या तो कोई और समस्या हो रही है जिसकी वजह से फैट का बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये कीटोन बॉडीज किसकी वजह से आती है, लिखिएगा, फैट के ब्रेक डाउन से क्या बनेगा, कीटोन बॉडीज बनेगा और यूरिन में पास आउट होने लग जाएगा, ठीक। और क्या बचा है, रीनल फेल्योर, इसी को, हाँ, कीटोनूरिया की वजह से जैसे फैट टूट रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, आपकी बॉडी में कम हो रहा है। ग्लूकोज जब कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, तब क्या है, तब फैट ब्रेक डाउन चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम यही है, एक सिम्टम, एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी अंदर से कमजोर हो रही है, ठीक। रीनल फेलियर क्या है, किडनी फेलियर, क्या बोलते हैं इसको, किडनी फेलियर। कब किडनी फेल होती है,
कई रीजन हो सकते हैं। अगर ब्लड में यूरिया ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए ब्लड में क्या यूरिया बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब आपकी किडनी फेल हो गई है, किडनी काम नहीं कर पा रही है, यूरिया को बाहर नहीं पास आउट करा पा रही है। आप बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है, इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपरली। यूरिन कम बन रहा है, यूरिन नहीं बन रहा है, ठीक है, या यूरिन में क्या चीज ग्लूकोज आ रहा है, तो ये कई सिम्टम हो सकते हैं रीनल फेलियर के। ठीक, अब रीनल फेलियर को कैसे ठीक किया जाता है, करेक्शन, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक चीज याद रखिए, जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसके बॉडी में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो जाती है। कभी देखे हैं हाथ पैर, बहुत खासकर पैर सूज जाते हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट के पैर क्या हो जाते हैं, बहुत सूजन आ जाती है, पानी अच्छा खासा बॉडी में भरा हुआ रहता है, ब्लड नहीं, ब्लड बहुत कम बनता है, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन क्या है, कम बनेगा, ब्लड फॉर्मेशन घट जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इसका एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है बताइए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाएगा। किडनी जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो जो डोनर देखते हैं, डोनर, वो डोनर क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, बुक में लाइन लिखा है, कैसा होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव। माता पिता से किडनी ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं, और बहुत खास हम खास से किडनी ले सकते हैं, हाँ बहुत क्लोज रिलेटिव। दूर का क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि किडनी मैच करनी चाहिए, किडनी मैच नहीं करेगी, टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, एक वर्ड होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपकी बॉडी में जब दूसरे का किडनी लगाया जाएगा तो आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन क्लोज रिलेटिव की किडनी रहेगी तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन क्या है, आपको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। जिसको किडनी लगाई जाती है उसको पूरे जीवन भर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स खिलाई जाती हैं, ताकि इम्यून सिस्टम क्या रहे, सप्रेस रहे, एक्टिवेट ना होने पाए, समझ रहे ना। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव। और एक चीज और होता है कि पेशेंट को क्या है, गिव्स इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, होल लाइफ, पूरी लाइफ। कोई ड्रग का नाम बताएगा कल, साइक्लोस्पोरिन ए ह्यूमन हेल्थ डिजीज में दिया हुआ है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिव हो जाता है, इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिव हो जाता है, हमारी बॉडी में जब बाहर से कोई भी चीज आए, किडनी ही नहीं, हार्ट भी मान लीजिए, कोई भी बॉडी का ऑर्गन जब रिप्लेस किया जाएगा तो तुरंत बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाती है और इसको रिजेक्ट कराने की कोशिश करती है, समझ में आया। तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा उसको हमको क्या करना है, सप्रेस करना है, दबा के रखना है। ठीक, ये बहुत सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये सक्सेसफुल नहीं है, बहुत समय तक, लंबे समय तक काम नहीं करता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, डायलिसिस होती है, दूसरा है डायलिसिस। ये डायलिसिस एक कॉस्टली टेक्निक है, कॉस्टली ये भी है, ये भी कॉस्टली है, लेकिन इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पैसा खर्च होता है, और यहाँ बार बार पैसा खर्च होता है जब तक आदमी जिंदा रहता है डायलिसिस में। तो शांतिपूर्वक बैठ जाइए, समझ में आ रहा है, देखिए बार बार हमको टोकना ना पड़े, आप सीधे से पढ़ाने दीजिए, अदरवाइज मैं बाहर कर दूंगा, हमको उस पर मत लेके आइए कि हमको ये कर्म करना पड़ जाए, समझ में आ रहा है, हाँ शांतिपूर्वक पढ़िए। डायलिसिस हो गया ये, अब समझना है डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस एक मशीन है, एक टेक्निक भी है डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस में क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से एक मशीन होती है,
मशीन बहुत खूबसूरत होती है, ये बनाया गया डायग्राम है, ऐसी मशीन बहुत अच्छी होती है देखने में, ठीक है, क्योंकि पैसा लगता ना, जो पेशेंट जाते हैं अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, तो मशीन भी क्या है बहुत खूबसूरत मॉडल में बनाई जाती है। ठीक, यहां पर एंट्री पॉइंट है, यहां से इसमें एक सॉल्यूशन, एक टैंक होता है, पूरी मशीन में क्या है, एक टैंक है अंदर, और उस टैंक में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या भरा है, एक सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक लिक्विड भरा रहता है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस टैंक में भरा होता है, सॉल्यूशन इधर से भेजते हैं, और जब सॉल्यूशन पुराना हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो उसको यहां से बाहर पास आउट करा देते हैं। और क्या होता है इसमें, ट्यूब्स होता है, क्या चीज है, ट्यूब्स, कैसी ट्यूब है, सिलोफेन, सेलुलोज का बना, देखिए पूरी किडनी में इस तरीके से सेलुलोज का बना हुआ क्या है, ये ट्यूब है, किस चीज का बना है, सेलुलोज, इन ट्यूब्स का नाम बताएंगे कोई, इन ट्यूब्स का नाम क्या है, सिलोफेन ट्यूब्स, क्या बोलते हैं इनको, सेलोफेन ट्यूब्स, मतलब जितना कॉम्प्लेक्स नजर आता है ना, उतना ये मशीन कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, मशीन बहुत आसान है, उसमें कुछ ज्यादा सिस्टम नहीं है, अंदर की साइड में बहुत सारी ट्यूब हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड को क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये ट्यूब किस चीज की बनी है, सेलुलोज की, इन ट्यूब्स के अंदर क्या होते हैं, ये ट्यूब कैसी है, सेमी परमेबल, कैसी है ये, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का मतलब समझ रहे हैं, कुछ ही चीजों को अंदर बाहर आने देंगी, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, यहां से देखिए, यहां से ये आपका जो आर्टरी है, आर्टरी हाथ की जो आर्टरी है, यहां से ब्लड निकालते हैं मशीन में, ब्लड को भेजने के लिए ब्लड कहां से निकाला जाता है, कहां से कनेक्ट करते हैं बॉडी में, आर्टरी से, वेन से ब्लड नहीं निकालते हैं, क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है, तो हम आर्टरी से कनेक्ट कर देंगे मशीन को, ट्यूब के रास्ते यहां से ब्लड निकलेगा और मशीन में लगातार पहुंचेगा, यहां से ब्लड कहां आ रहा है, ये मशीन में, देखते रहिएगा, ये मशीन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, कहां से आ रहा है, आर्टरी से, ठीक, इस तरीके से ब्लड घूम रहा है, और ये ब्लड जब यहां से घूमता हुआ जाएगा तो कहां इसको वापस करना है, वेन में, वेन में इसको, वेन में वापस करा देना है, मतलब वेन में रिटर्न, तो ब्लड को निकालते हैं, ब्लड को वापस कर देते हैं, होता क्या है फिर, ये मशीन करती क्या है, उस ब्लड का क्या करती है, हाँ, इस ब्लड को, ब्लड में से वो चीज निकाल देती है जिस चीज को निकालना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, आप सोचिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, मतलब हमको अपने इस ब्लड से क्या निकालना है, इस ब्लड से हमको क्या निकालना था, ब्लड से हमको यूरिया निकालना था, यूरिक एसिड अगर है, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड आता है ना यूरिन में, मैंने यूरिन का कंपोजिशन बताया था, अब बोला था यूरिन में थोड़ा सा क्या है, यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है, हाँ, जो जरूरी चीजें नहीं है वो निकलेंगे बाहर, ध्यान सुनिएगा, जो जरूरी नहीं है, यूरिया मेनली तो यूरिया बाहर पास आउट कराते हैं, यूरिक एसिड है या फिर कुछ आयंस अगर वो ज्यादा मात्रा में है, यूरिन में पानी भी है, आता है ना, यूरिन में हमारे वाटर भी है, लेकिन इससे हम वाटर पास आउट नहीं कराएंगे, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल किडनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, यहां से जब ब्लड भेजा जाता है तो इस ब्लड से कभी वाटर नहीं निकलेगा बाहर, समझ में आ रहा है, वाटर नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिन जब बनता है, ध्यान सुनिएगा, यूरिन बनता है तो हमारी बॉडी का मकसद ये नहीं होता है कि बॉडी से वाटर को बाहर निकालना, उसका मकसद क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, और वेस्ट प्रोडक्ट बिना वाटर के नहीं निकल सकता, वाटर बाहर,
मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए वाटर को पास आउट कराना जरूरी है। और वाटर पास आउट और क्यों होता है, अगर बॉडी में वाटर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वाटर को, पानी को, एक्सेस वाटर को रिलीज कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बाहर वाटर नहीं जाएगा तो क्या चीजें निकाली जाती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ आयंस। कैसे पास आउट कराते हैं वो देखिए, इसमें जो सॉल्यूशन भर रहे हैं, जो सॉल्यूशन हम लोग भरते हैं वो उसके उसमें जो वो चीज नहीं भरते हैं सॉल्यूशन में जिसको हमको ब्लड से बाहर निकालना है। हमको पता है कि जब किडनी में ब्लड फिल्टर होता है तो क्या चीज आती है उस कप में, कप में क्या आता है, प्लाज्मा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कभी कप में नहीं आती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसमें सॉल्यूशन जो भर रहे हैं उसमें वही चीज रखेंगे जो हमारे प्लाज्मा में है, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तो निकलना ही नहीं बाहर, नहीं जाएगा यहां से बाहर, यहां से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। प्रोटीन यहां से बाहर नहीं जाती है, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन में वो चीज भरेंगे जो चीज हमारे ब्लड के प्लाज्मा में है और सेम कंसेंट्रेशन में, उतनी ही कंसेंट्रेशन। जैसे सोडियम क्लोराइड अगर जितना हमारे ब्लड में है उतना ही कहां रखेंगे, इसमें हमारे ब्लड में जितना पानी की मात्रा होती है सेम पानी की मात्रा कहां रखी जाएगी, टैंक के सॉल्यूशन में। हमारे ब्लड में जितना और क्या चीज फिल्टर होकर कप में आती है, कप में क्या आता है, जितना मान लीजिए बाइकार्बोनेट आयन है उतने बाइकार्बोनेट आयन बाहर रखे जाएंगे, फैटी एसिड आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है। और जितनी भी चीजें कप में फिल्टर होके आ जाती हैं वो सारी चीजें यहाँ रखी जाएंगी, जितना चीजें वोमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर के यहाँ पहुंचती हैं वो सारी चीजें कहाँ रखेंगे आप, इसमें रख देंगे सॉल्यूशन में, और सेम मात्रा में रखेंगे, सेम कंसेंट्रेशन। केवल क्या नहीं रखेंगे इसमें, यूरिया, जिस चीज को आपको ब्लड से बाहर निकालना है उस चीज को यहां नहीं रखा जाएगा, ठीक। समझ में आ गया क्या क्या चीज नहीं रखना है, ये चीजों को टैंक में नहीं डालना है क्योंकि यही हमको बाहर कराना है। तो जब ब्लड यहां से आएगा, एक चीज और समझिए, ये डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्यूशन भरा है ये आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के आइसोटोनिक है, समझ रहे हैं। अब यहां से जब ब्लड आएगा यहां पर तो इसमें से कौन सी चीज बाहर निकलेगा बताइए, क्या वाटर निकलेगा बाहर, नहीं, क्योंकि जितना वाटर अंदर है ब्लड में उतना ही वाटर हमने बाहर किया है, ठीक है। सॉल्ट निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, सॉल्ट नहीं निकालना है बाहर, अंदर जितना सॉल्ट है उतना ही बाहर। यूरिया निकलेगा, हाँ, क्योंकि यूरिया अंदर है बाहर यूरिया नहीं है, तो यूरिया बाहर पास आउट। यूरिक एसिड अंदर है बाहर नहीं था, यूरिक एसिड बाहर, मतलब जिस चीज को बाहर पास आउट कराना है उसको नहीं रखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम मात्रा में जितनी ब्लड में है उतनी ही यहां पर रख देंगे, ठीक। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, टैंक में आ जाएंगे। फिर टैंक का लिक्विड जब ओल्ड हो जाएगा, यूज कर लेंगे, तो लिक्विड को यहां से बाहर निकाल लेंगे, नया लिक्विड फिर से यहां से भेज देंगे। जैसे एक बार डायलिसिस किया, लिक्विड में वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, अब इस लिक्विड को खाली भी तो करना है मशीन से, तो खाली कर लेंगे, नया लिक्विड फिर से भर देंगे, नया सॉल्यूशन, और फिर से मशीन को स्टार्ट कर देंगे, फिर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलना चालू हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हम लोग फिल कराते हैं, ये ट्यूब्स का नाम क्या है, ठीक, और आर्टरी से कनेक्ट करते हैं इसको और वहां से इसको वेंस। इस चैप्टर में और कुछ बताओ, बताइए। हाँ, इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये बार बार कराना पड़ता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पैसा बहुत खर्च होता है, बार बार, एक हफ्ते, दस दिन, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो चार दिन पांच दिन में रिपीट कराना पड़ेगा, अगर कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है तो 15 दिन बाद डायलिसिस कराइए, महीने बाद बार कराइए। कितनी खतरनाक स्थिति है उसकी बॉडी में, कितनी किडनी खराब हो चुकी है। नहीं, कोई मेटल नहीं निकलता इससे,
कोई मटेरियल नहीं निकलता है, समझ में। लेकिन नुकसान और समझिए, आपकी जब नॉर्मल किडनी काम कर रही होती है तो उससे बनता है, वो ब्लड को बनाने में मदद करती है ना, तो ब्लड तो नहीं बनेगा, ब्लड बनेगा लेकिन कम बनेगा ना, क्योंकि किडनी का भी रोल होता है खून को बनाने में। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो भले ही आप डायलिसिस करा रहे हैं, आपकी बॉडी में ब्लड कम बनेगा। ब्लड प्रेशर आपकी किडनी मेंटेन करती है, मेंटेन होगा यहां से नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेज इसका है, लेकिन जब पर्सन क्या है मजबूरी में कराना है, नहीं कराना है मजबूरी में, किसी पेशेंट को जिंदा रखना है तो डायलिसिस तो कराना ही है, अदरवाइज वो तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। और कुछ बचा हुआ तो बताइए, डायबिटीज। हाँ, एक चीज और बची हुई है, वो समझ लीजिए, दो वर्ड है, डायबिटीज इंसिपिडस, और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं थोड़ा सा। मेलाइटस का मतलब मीठा, ध्यान रखिए, यम फॉर मेलाइटस, यम फॉर मीठा। इसमें क्या होगा, ये डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है कि जब यूरिन में ग्लूकोज आता है, जब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, या असली वाली शुगर, जिसको आप शुगर बीमारी बोलते हैं, शुगर। तो शुगर का ही दूसरा नाम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ये कंडीशन कहां होती है, इन जब पेशेंट को क्या होता है शुगर की बीमारी, तो उसमें डायबिटीज मेलाइटस प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ग्लूकोज आने लग जाता है, ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, तो हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और बाकी शुगर का सिम्टम मैंने आपको बताया था कि जिसको शुगर होता है उसमें बार बार यूरिनेशन होता है, पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा, ठीक है, टॉयलेट बहुत ज्यादा बनेगा। डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है, इसमें यूरिन जो बनेगा उसमें ग्लूकोज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब जिसको आप बोल सकते हैं डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस की जो समस्या है, बार बार टॉयलेट जाने की जो प्रॉब्लम होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, तो वो समस्या ये वाली है, मेलाइटिस वाली है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि बार बार यूरिन हो रहा है तो शुगर ही है, नहीं, अगर एल्डोस्टेरोन या वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन या एल्डोस्टेरोन अगर कम बन रहा है तो पानी में, यूरिन में पानी ज्यादा हो जाएगा तुरंत, ठीक है, तो बार बार टॉयलेट होगा, समझ रहे ना, क्योंकि ज्यादा यूरिन बनेगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होगा। तो ये वाली जो समस्या है ये डायबिटीज की वजह से नहीं है, ध्यान रखिएगा, आगे डायबिटीज लगाया गया है, लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, बार बार यूरिनेशन होता है, ये होता है, रीजन क्या है, लो ADH, अगर ADH कम बन रहा है या लो एल्डोस्टेरोन है। अब कोई हमको बताइए डायबिटीज क्यों लगाया आगे, इंसिपिडस में डायबिटीज, क्योंकि यहां डायबिटीज तो नहीं है। अगर किसी की बॉडी में वैसोप्रेसिन कम बन रहा है या एल्डोस्टेरोन कम बन रहा है तो सिम्टम क्या आएगा, डायूरेसिस, ठीक है, लेकिन उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज क्यों बोले बताएंगे, कोई सोच करके, डायबिटीज यहां क्यों वर्ड यूज किया जा रहा है, यहां तो समझ में आता है असली वाली डायबिटीज है, ये डायबिटीज को लगाया गया यहां पर, क्योंकि डायबिटीज वाला सिम्टम आ रहा है। सिम्टम डायबिटीज का क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम डायबिटीज के, जिसमें से एक सिम्टम ये भी है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, तो अगर बार बार यूरिन हो रहा है तो डायबिटीज का एक सिम्टम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डायबिटीज हो भाई, उसके साथ साथ और भी सिम्टम है डायबिटीज के ना, अकेला एक सिम्टम तो नहीं है क्या, आप खाली बार बार ये इस प्रॉब्लम को देख करके आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज है, नहीं, हो सकता है ये इसकी वजह से हो रही हो। तो डायबिटीज क्यों लगाया गया, क्योंकि डायबिटीज का एक सिम्टम आ रहा है। डायूरेसिस किसका सिम्टम है, डायबिटीज का, इसलिए हमारा डायबिटीज लगा हुआ है। तो
तो यहाँ पर यूरिन में ग्लूकोज नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। ये शुगर वाली बीमारी संबंधित है। समझ में आया? और कुछ? यूरिन में ग्लूकोज कैसे आता है? देखिए, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, अगर किसी पेशेंट को क्या है, शुगर है, तो शुगर में क्या होता है, शुगर, ठीक है, उसमें ग्लूकोज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक। अब जब ग्लूकोज क्या है, ज्यादा है, तो जब ये फिल्टर होने के लिए आएगा कहां से, किडनी से, तो किडनी में ग्लूकोज फिल्टर होता है कि नहीं होता, कप में बताइए, फिल्टर होता है ना, कप में फिल्टर होके आ गया। नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज है, नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज है ना, पेशेंट को डायबिटीज है, एक पेशेंट सोचिए नॉर्मल आदमी है, ग्लूकोज तो आता ही है, तो पीसीटी क्या करती है, 100% ग्लूकोज को खींच के अंदर ले जाती है। लेकिन जब ग्लूकोज अपनी लिमिट से ज्यादा रहेगा तो ये पूरा नहीं खींच पाएगी, क्योंकि मैंने बताया था पीसीटी लूप ऑफ हेनले, ये जितना भी खींचते हैं ये फिक्स होता है। अगर बॉडी में किसी चीज की मात्रा घटती है या बढ़ती है तो कंट्रोल कौन करता है, अकेला एक है डीसीटी, वही कंट्रोलिंग करता है। इनकी हिम्मत नहीं है, ये तो जितना करना है उतना फिक्स खींचेंगे, जितना ग्लूकोज खींचना है उतना खींच ले जाएंगे। एक्सेस ग्लूकोज हो गया तो इनके बस की बात नहीं रहती, और एक्सेस ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, यूरिन में आ जाता है तुरंत। समझ में आया? हाँ, अरे लो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, ये बताइए, ब्लड प्रेशर घट जाएगा तुरंत ना, और बीपी जब घट जाएगा तो पैरालिसिस की समस्या हो जाएगी, नहीं होगी पैरालिसिस, तो दिमाग पर असर जाएगा ना, क्यों? हाँ, पैरालिसिस हो जाएगा मतलब चक्कर आएगा, ब्लड प्रेशर जब घटता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है। आ रहा समझ में? और कुछ? हाँ, क्या चीज कह रहे हैं, मीठे से क्यों बढ़ता है? देखिए, जानते हैं डायबिटीज जब होती है, ध्यान सुनिएगा, डायबिटीज जब होती है तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा है, लेकिन आपको कमजोरी क्यों लगता है, थकान लगती है डायबिटीज में, क्यों लगता है? ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में है, फिर भी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पा रही है, एटीपी नहीं बन पा रही है बॉडी में, कारण समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही है। खाना सामने रखा आप खा नहीं पा रहे, तो खाए नहीं पा रहे तो आपको भूख तो लगेगा ही, आपकी सेल भूखी रहती हैं, आपकी सेल में खाना ग्लूकोज पहुंचता ही नहीं है, सेल के बीच में ग्लूकोज रहेगा, सेल के बाहर नजर आएगा बट सेल में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि सेल में ग्लूकोज को ले जाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो क्या है, डायबिटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सेल में ग्लूकोज क्या है, इसकी एंट्री कम हो जाएगी, सेल में भुखमरी आ जाती है, तो जब सेल में भुखमरी हो जाएगा तो सेल में एटीपी कम बनेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी कम बनेगा, आपको थकान महसूस होगी। समझ आ रहा है? तो होता वो ग्लूकोज से ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज ही तो बनाती हैं। अगर फैट टूट रहा है तो लास्ट में जाकर के ग्लूकोज में एनर्जी केवल कहां से बनती है, ग्लूकोज से। भाई रेस्पिरेशन आप जानते हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर मिलके क्या बनाता है, सॉरी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये ग्लूकोज चाहे आपके कहां से आए, स्टार्च से आए, चाहे कहां से, ग्लाइकोजन से, या फिर कहां से आ सकता है ग्लूकोज, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, फैट से, कहीं से भी आए, ग्लूकोज तो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वहां ग्लूकोज ही यूज होता है। और कुछ बताइए? अल्टीमेटली सेल में एनर्जी को बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और किसी चीज से एनर्जी बननी है तो पहले उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इसका कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, 10 मिनट, कल नहीं, कुछ पढ़ के आया करिए, हालत बहुत खराब है, कंडीशन बहुत खराब है। नॉर्मल पर्सन खाना नहीं खाया रहेगा तो क्यों नहीं लगेगा,
ये तो कोई लेमन वाला सवाल तुमने पूछा, तुमने पूछा भी तो ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ हाँ क्या करें, रिटैब बस 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 बस, परेशान मत हो, ये हो गया रिटैब। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, कल अगला क्वेश्चन बाकी सब करा दिया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बताइए स्टेटमेंट, बताइए जल्दी से। समझ में आ रहा है? इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम ऑफ लुकोफिली इन परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। डिसेंडिंग लिम किसके लिए परमेबल बताओ जी? डिसेंडिंग लिम्प ऑफ ल्यूकोफेनली वाटर के लिए परमेबल है कि NaCl? वाटर के लिए, ठीक है। तो लिखा है इम्परमेबल टू वाटर, ये रॉन्ग हो गया। ये बताइए पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। बस सही है ना? सही है। जानते हैं गलती कहां किया? क्यूबोडियल, एक वर्ड में गलती किया, बस पूरा सही है, एक वर्ड ही क्यूबोडियल होना चाहिए। आगे देखिए इसके बाद, इसको बताइए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए बताओ सही स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, दिख रहा है रीनल कार्पसल ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द अपर आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। रीनल कार्पसल जानते हैं किसको बोलते हैं? ग्लोमेरुलस और कैप्सूल दोनों को मिला के, कप को उसके अंदर जो गुच्छा है दोनों को मिलाकर रीनल कार्पसल। अब जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला, ये मेडुला के बाहरी पोर्शन में होता है। समझ में आ रहा है? हाँ? कहाँ होता है तब बताइए, वहां नहीं है तो कहां पर है? पढ़ के क्या आएंगे, मैं ज्यादा सवाल नहीं करा रहा हूं, कल क्वेश्चन कराना है, आज ही बताइए कुछ तो पढ़े हैं। रीनल कार्पसल अब कल पढ़ के नहीं आएंगे, जानते हैं कल क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके चले आएंगे, देख करके इन्हीं क्वेश्चन को देख लेंगे, इसके बाद इन्हीं को बता देंगे। बताइए ये बोल रहा है जो कप है और कप के अंदर जो सीधे बैठिए सीधे, हाँ समझ में, बार बार मुझे टोकना ना पड़े, मैं एक्शन बहुत फास्ट लेता हूं, ये भी जान लीजिए। रीनल कार्पसल ये जो कप बोल रहा है, कप आपका कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ होता है? कप है, पीसीटी है, डीसीटी सब कहाँ है? इसने मेडुला लिखा है ना, मेडुला में नहीं है, कहाँ है? कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ फेनले ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रेप डीप इनटू द मेडुला, ये सही है, ये सही है, मेडुला में लूप ऑफ फेनले डीपली जाता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आउटर आउट, ये कुछ गलत लिखा, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, आउट नंबर, ये कुछ लाइन यहां मिस हुआ है, आउट नंबर लिखा ना, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल, ये आउट नंबर नहीं है, या तो बोलेगा लेस या मोर। यहां इसको जक्स्ट्रा मेडुलरी ऑफ लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी, बताइए ये सही है? याद आ रहा है कॉलम ऑफ बर्टिनी कहां होता है? मेडुला के बीच में जो कॉर्टेक्स वाली जो जगह होती है उसी को बोलते हैं, तो उसमें नहीं होता ये, ठीक है। ये नेफ्रॉन कॉलम ऑफ बर्टिनी में कोई नेफ्रॉन नहीं होता है। अब आपको पूछा क्या करेक्ट, ये रॉन्ग हो गया, ये वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा तो करेक्ट हो गया। ये बताइए
विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू द वाटर? सीधी सी बात है, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, हो गया ना, इसको बताइए रीजन एसर्शन, बता दीजिए जल्दी से। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। ये चीज छोड़ दिया मैंने, छूट गया जीएफआर, ये दो चीज बतानी है हमको, ठीक है, ये आप अभी नहीं समझेंगे, इसको हटा देते क्वेश्चन को। दरअसल मैं उस समय जब बता रहे थे कौन सा वाला रेगुलेशन, उस समय जीएफआर वर्ड छूट गया था, उसको अगली बार समझिएगा। कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द नेफ्रॉन, सही है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन द मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट इन द मेडुलरी इंटरस्टीशियम। कुछ पल्ले पड़ रहा है जी, नहीं ना, कंसंट्रेट होकर देखा करिए इधर, ठीक है, अगर पढ़ना है तो बताइए। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट इन द मेडुला इंटरस्टीशियम। मेडुला में जो 900, 400, 600, 800, 1200 ये ग्रेडिएंट बना था ना, ये किसकी वजह से बना था? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से तो बना था। हमने कहा था ना कि ग्रेडिएंट अगर मेडुला में मेंटेन रहेगा तभी यूरिन कंसंट्रेट होगा, तभी ये मैकेनिज्म काम करेगा। तो इस मैकेनिज्म में वहां ये चीज मेंटेन होती है, लाइन सही है, आगे बढ़ जाइए। ये लास्ट सवाल है 10 लाख का, बताइए, बता दो जी। ये नहीं बता पाएंगे तो एक क्वेश्चन और ले जाएंगे अभी आगे। नेफ्रॉन आर टू टाइप, कॉर्टिकल एंड बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स। पहला लाइन सही है, पहला लाइन सही है कि नहीं सही है? टॉस करके नहीं बोलना है, टॉस नहीं करना है, यहाँ दिमाग पे टॉस, दिमाग लगाना है। बताइए, बोल रहा नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। किसके बेसिस पर होते हैं? रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स और मेडुला, कितना हिस्सा कॉर्टेक्स में है, किसका कितना मेडुला, सही है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव द शॉर्ट लूप ऑफ फेनले। जक्स्ट्रा मेडुलरी में लूप ऑफ फेनले कैसा होता है, कैसा होता है? शॉर्ट की लॉन्ग, लॉन्ग होता है, ठीक है। और वेयर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट होना चाहिए, कॉर्टिकल में क्या होना चाहिए? शॉर्ट। ये लाइन सही नहीं है, ये गलत है, दोनों गलत है यहाँ पर ना, दोनों रॉन्ग है। पहला सही था, हाँ पहला सही था, सेकंड क्या है? इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन अगली बार, जितने क्वेश्चन बचे होंगे कल, ठीक है, तो पढ़ के आइएगा इसको। और थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठा करो, नहीं कि आपकी बात जिसने बदतमीजी किया उसको बाहर या तो सीट चेंज हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ जी, हमारी सीट को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, हाँ सीट का मतलब यहाँ से उठा के वहां, हाँ।